Hi guys, welcome back to my channel. So it's me, your Ankita, and on today's video I'm going to show you that how I created my this makeup look. And I created this makeup look on my mama ka shadi. Wow, what kind of English is this? Mama ka shadi? हाँ, मैंने ये makeup look अपने मामा की शादी पे create किया था and I thought I should share this with you. And if this is something that interests you, watch the full video. And without wasting your time, let's get started. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना मेकअप अप्लाई करने से पहले अपना स्किन केयर अच्छे से कर ले, क्योंकि हमारा स्किन को प्रेप करना है बिफोर मेकअप, ताकि मेकअप इधर उधर से ना पिघले और केकी ना बने हमारा फाउंडेशन वगैरह. सो इसलिए हमें अपना स्किन बहुत अच्छे से प्रेप करना है. सो फॉर द फर्स्ट स्टेप, मैंने ऑलरेडी अपना फेस वॉश कर लिया है विद क्लींजर एंड मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ टोनर. एंड दिस टोनर इज फ्रॉम लैक्मी 925 मैट मॉइस्ट. So the next step I'm going to use is this eye gel from Biotech. हमें अपना आई का भी थोड़ा सा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, वरना पता नहीं कंसीलर लगाने जाएंगे तो फिर पता नहीं कंसीलर भी केकी बन जाएगा. The next step we are going to follow is to moisturize our face. And for the moisturizer I'm going to use Lakme 925 Matte Moist, and it is really very good for summer season, which I can say. So I'm going to apply this one. So हमने अपना moisturizer apply कर लिया है. Now it's time to prep our lips. So for the lip balm, I'm going to apply the Plum Candy Melts in shade Red Velvet. ये lip balm आने से पहले मेरे को खाने का मन करता है. खा लेती हूँ मैं इसे. इट्स रियली लाइक क्या बोलूँ, यम्मी यम्मी का जो वाइब्स आता है वो है, मेरे को खाने का मन करता है. एंड मैं बहुत दिन बाद इतने बातें करके वीडियो बना रही हूँ एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई थिंक आपको भी मज़ा आ रहा होगा. तो आई हैव ऑलरेडी प्रेप्ड माई लिप्स और हमारा जो भी स्किन केयर रूटीन था या फिर स्किन केयर स्टेप्स था वो कंप्लीट हो चुका है. तो मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मैंने कौन सा स्टेप्स फॉलो किया है. तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है टोनर, देन था आई जेल, देन था मॉइस्चराइजर, देन लिप बाम. अभी हम अपना मेकअप के स्टेप्स पे जाएंगे एंड फॉर द फर्स्ट वन मैं करने वाली हूँ प्राइमर यूज़, ताकि हमारा जो भी ओपन पोर्स है, जो भी इशू है वो सब अच्छे से क्या बोलते हैं उसे फिक्स हो जाए. एंड फॉर द प्राइमर आई एम गोइंग टू यूज नायका प्रेप मी अप फेस प्राइमर. इसे हम लेंगे थोड़ा सा इट्स रियली सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा. मुझे नहीं पता आपको कैमरा पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सच्ची में बहुत ज़्यादा मेरे स्किन को स्मूथ बना रहा है. द नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन एंड आई एम गोइंग टू यूज द फाउंडेशन फ्रॉम ट्राई शुगर. दिस इज इन शेड 27 वेना. I don't know, I did the correct pronunciation or not, but it's 27 Vena. Let me show you. This is my shade. And जितना quantity आप कम ले सकते हो उतना कम लेना, क्योंकि हमें light रखना है, foundation को cakey नहीं बनाना है. And for that मेरा हमेशा का simple सा फंडा है या फिर rule है कि जितना कम अमाउंट लोगे उतना अच्छा ही बनेगा. सो हम अभी इसे ब्लेंड करेंगे. मुझे थोड़ा सा और चाहिए, आई थिंक सो चाहिए या नहीं चाहिए मैं देख रही हूँ अपने मिरर पे. मैं हमेशा यही करती रहती हूँ, थोड़ा सा चाहिए होगा. ओके, ओ शिट, अपने नेक को मत भूलना. मैं नेक को अच्छे से कर लूँगी आराम से. एंड फॉर ब्लेंडिंग आई एम यूजिंग दिस ब्रश. आई थिंक मुझे और फाउंडेशन चाहिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया मुझे लग रहा था. मैं इसे क्या करते हैं, मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, लेती हूँ अपने हाथ में फिर ऐसे डॉट 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 करके फिर लगा लेती हूँ, तो मुझे वो सही लगता है. लेकिन मुझे वीडियो जल्दी बनाना था तो मैंने सोचा ऐसे लगा लेती हूँ. लेट मी टेक इट
केक थोड़ा और थोड़ा और फॉरहेड पे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरा आई डोंट नो मेरा फॉरहेड पे इतना ज़्यादा पिगमेंटेड वाला स्किन क्यों दिखता है। मेरा हमेशा का फंडा है ऐसे ऐसे करके ब्लेंड करो। मैं और एक स्टेप बोलना भूल गई, जिन लोगों का ड्राई स्किन है आप शीट मास्क भी यूज़ कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग योर मेकअप, वो मैं बोलना भूल गई। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता होगा, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप जिन लोगों का ड्राई स्किन है आप लोग क्या बोलते हैं शीट मास्क यूज़ कर सकते हो। तो मेरा ब्रश से ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं अभी लूँगी एक डैम्प ब्लेंडर जिससे हम अपना जो भी ब्रश से हमने ब्लेंडिंग किया है उसके ऊपर थोड़ा आराम से करेंगे, ताकि ब्रश का अगर कोई भी हार्श लाइन हुआ तो फिर वो ना दिखे। तो फाउंडेशन के बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा कंसीलर, एंड आई एम गोइंग टू यूज द कंसीलर फ्रॉम ट्राई शुगर, दिस इज इन शेड 30 कोकोचिनो। वो आपको मेरा शुगर का जितना भी हॉल है, मतलब ट्राई शुगर का जितना भी हॉल है या फिर प्रीवियस जो भी मेकअप वीडियोज़ है, वो आपको पता है कि मैं हमेशा ट्राई शुगर का यही वाला शेड या फिर यही वाला कंसीलर यूज़ करती हूँ। तो यू नो दिस इज़ माई फेवरेट। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, ऐसा लग रहा ख़त्म हो गया, मैं बातें करते करते भूल जाती हूँ। ओके हाँ, अपने ड्रेस पे भी फेंक दो। तो मैं अपने अपर क्या बोलते हैं इसे, अपर लीड्स बोलते हैं इसे, मतलब आइस के ऊपर क्या बोलते हैं इसे, मैं भूल गई, मैं सब कुछ भूल रही पता नहीं क्यों। इधर पे भी कंसीलर लगा लेती हूँ आराम से, फिर ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड फॉर ब्लेंडिंग आई एम यूजिंग द सेम ब्लेंडर जो मैंने फाउंडेशन के लिए यूज़ किया था। मुझे ब्रश से ज़्यादा कंसीलर ब्लेंडर से ब्लेंड करने में मज़ा आता है, लेकिन ब्रश से करने के बाद फिर ब्लेंडर यूज़ करोगे तो फिर वो एकदम क्या बोलते उसे अच्छा वाला, मतलब एकदम बहुत अच्छा वाला ब्लेंड हो जाता है। लेकिन मैं अभी आपको ब्लेंडर से ब्लेंड करके दिखाऊंगी। तो मैंने अभी जहाँ जहाँ कंसीलर यूज़ किया, लाइक मैंने अपना डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए बस आईज़ के इधर पे कंसीलर यूज़ किया है। आप लोग जहाँ जहाँ भी यूज़ करोगे उसके लिए आपको क्या बोलते हैं लूज पाउडर या फिर मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करती हूँ, एंड मैं सजेस्ट भी करती हूँ कि आप लोग ट्रांसलूसेंट पाउडर ही यूज़ करें। तो आई एम गोइंग टू यूज़ द ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम ट्राई शुगर, एंड इसके लिए जो ब्रश मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कुछ आपको ऐसा, मतलब ऊपर से ऐसा स्लाइडिंग वाला दिख रहा होगा। इस ब्रश से मैं अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई करूंगी। हमें अपने अंडर आईज के नीचे हमेशा ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर लूज पाउडर से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा आईज जो हम मूव करते हैं ऐसे ऐसे बार बार, उस वजह से कंसीलर केकी होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और मेरा जो बाकी पार्ट है लाइक ब्लश हाइलाइटर वगैरह, मैं वो आई शेडो करने के बाद अप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर आई शेडो में कुछ फॉल आउट हुआ या फिर कुछ हुआ तो फिर हम उसे फिक्स कर सकते हैं। आई हैव डिसाइडेड कि मैं पहले रिवर्सल पैलेट से ये जो दो आपको दिख रहा है शेड, वन इज़ सैंड अनदर वन इज़ स्कारलेट, इन दोनों का मतलब कंबाइन करके अपना पहले बेस क्रिएट करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी मैं क्या करूँगी। करने में बहुत ज़्यादा सिंपल है और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट मी स्टार्ट। मैं ये जो आई लुक क्रिएट कर रही हूँ वो आपके मतलब डार्क आउटफिट, मतलब वेडिंग आउटफिट के साथ या फिर अगर आप कभी भी डार्क आउटफिट पहनने वाले हो उसके साथ मैच हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला आई लुक सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट हम रिवर्सल पैलेट से ही बर्नमिल जो शेड दिख रहा है ये वाला अप्लाई करेंगे अपने पूरे लिड्स पे। एंड जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो ऐसा है, मैं पहले दिखाना भूल गई। एंड मैं इसी से अपना बेस क्रिएट कर रही थी, इसी से ये वाला जो वर्मिल शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ। बर्थडे फ्लैन वाला शेड है, लाइक
गोल्डन टाइप का है, इसे हम अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे ताकि थोड़ा सा शाइनी वाला या फिर ग्लोइंग वाला लुक दे हमें। इसे अप्लाई करने के लिए जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं वो ऐसा फ्लैट टाइप का है, तो हम इसे पहले अप्लाई करते हैं। कुछ इस टाइप के ब्रश से लोअर लैश को फिल करने वाली हूँ। वो जो सेम प्रोसेस मैंने बेस के लिए लिया था रिवर्सल पैलेट से, इन दोनों का कम्बिनेशन पहले लूँगी। इस पैलेट से ये बर्थडे प्लान का थोड़ा सा लेके इधर से, अभी जो मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया था उसे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। Now I will apply the eyeliner. I'm talking about this eyeliner. ये pencil क्या बोलते हैं उसे, pencil या फिर sketch eyeliner बोलते हैं, जो भी है, मतलब ये इस टाइप का है। तो अभी हम अपना eyeliner लगाना शुरू करते हैं। ऐसे आईलाइनर लगाने का टेक्निक मेरा है, आप जैसे अपने तरीके से आईलाइनर लगाना, ये मेरा टेक्निक है इजी करने के लिए। अभी हम हमारा आईलैश कर्ल करेंगे एंड मस्कारा यूज़ करेंगे। मैं फेक लैशेस नहीं लगा रही हूँ, यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसे हम थोड़ा 5-10 सेकेंड तक रखेंगे। ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता। मैं जब भी आईलैश कर्ल करने जाती हूँ मेरे आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। एंड द मस्कारा, थोड़ा आंसू कंप्लीट हो जाए मेरा। एंड द मस्कारा आई एम यूजिंग टुडे इज फ्रॉम ब्लर। फॉर द कॉन्टोरिंग, फिर हाईलाइटिंग एंड ब्लशिंग मैं एक ही पैलेट से यूज करने वाली हूँ, दैट इज फ्रॉम फेस पैलेट फ्रॉम ट्राई शुगर। एंड जिस ब्रश से मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये है इस टाइप का, इससे मैं अपना कॉन्टोर भी करूँगी, ब्लश भी अप्लाई करूँगी एंड नहीं हाईलाइट इससे नहीं करूँगी, कॉन्टोर एंड ब्लश इससे अप्लाई करने वाली हूँ। कंटूरिंग मैंने अभी नया नया सीखा है तो मुझे नहीं पता अच्छे से। अभी हम वही ब्रश से इस सेम पैलेट से ब्लश लेंगे, ब्लश कुछ ज़्यादा नहीं ले लिया मैंने। सो उसी सेम पैलेट से मैं अपना हाइलाइटर अप्लाई करूँगी एंड हाइलाइटर के लिए मैं कुछ इस टाइप के ब्रश से मेरा हाइलाइटर अप्लाई करने वाली हूँ। लेकिन मैंने मेरा आईब्रो नहीं किया, फॉर आईब्रो मैं बस आईब्रो ब्रश करने वाली हूँ विथ माय आईब्रो पेंसिल, जिसपे आईब्रो ब्रश का ब्रो भी है, आईब्रो ब्रो भी है। सो आई एम गोइंग टू यूज द आईब्रो पेंसिल फ्रॉम ELF कॉस्मेटिक्स, जिससे मैं बस अपना आईब्रोज ब्रश ही करूँगी। सो अभी हमने सब कुछ अप्लाई कर लिया है लिपस्टिक को छोड़ के, लेकिन लिपस्टिक से पहले जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो हमारा सेटिंग स्प्रे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक फिक्स प्लस। इसके बाद हम हमारा लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, फिर हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लिपस्टिक पे मैं ये दोनों का कॉम्बो यूज़ करने वाली हूँ, इसे ऐसे लिप लाइनर और ऐसे फिल करने वाली हूँ अपना लिप्स। एंड दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दिस इज़ फ्रॉम ट्राई शुगर एंड दिस इज़ इन शेड 17 फेरी वेरी एंड दिस इज़ इन शेड लेट मी सी चेरी ब्राउन 06।
So I hope you find this video helpful for you. And if you find this video helpful for you, make sure you like, comment, and share this video with your friends and families. And yeah, subscribe my channel and hit on the bell icon also so that you won't miss out any of my video from my channel. And yeah, make sure you follow me on my Instagram too, as I upload many different kinds of video related to beauty and skincare. So make sure you follow me on my Instagram too. I will provide the link on the description box. And yeah, make sure you follow me on there also. So toodles for today. And see you guys on my next video. Till then, take care. Bye bye.